आजनों डी कोई थ्रू टाइम चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें। सेवा जोहार दोस्तों, आज हम लोग जंगो लिंगो लाठी गोंगो पापुन को मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं और पूरे कोयतूर समाज में इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज हम आपको इस पर्व को शुरू करने से पहले क्या क्या जरूरी सामान और संसाधन चाहिए उस पर बात करेंगे। आइए तो हम पहले आपको इस पूरे गोंगो मिजान के जो तैयारी होती है, इस बड़े पर्व के जो हमारे दो आराध्य देव हैं या पूजनीय जो शक्तियां हैं जैसे जंगो दाई और लिंगो बाबा, उनके उनके लिए हम एक प्रतीक बनाते हैं और उन प्रतीकों के माध्यम से हम अपने उन सियाना और बुढ़ाल बहन और जो हमारी प्राचीन शक्तियां हैं उनको हम सेवा जोहार करते हैं और उनका हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो हमें मिजान दिए हैं, जो उन्होंने हमें दर्शन दिए हैं कि हमारा समाज किस तरह से रिश्ते नातों को निभाए, सगा पाड़ी की व्यवस्था क्या होती है, मड़मिंग क्या होता है, मंडई कैसे शुरू करते हैं और अपने सामाजिक सरोकारों के साथ अपने समाज को कैसे एक रिश्ते नातों के बंधन में रखते हैं। तो आइए हम आपको पहले इस गोंगो के शुरू होने से पहले हम क्या क्या सामग्री चाहिए, जैसे अगर मान लीजिए आप अपने गाँव में, अपनी जगह पर या अपने प्रदेश में ये गोंगो करना चाहते हैं, अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। तो आइए पहले प्रतीक के रूप में हम जिसमें हम जंगो और लिंगो का प्रतीक बनाते हैं और इसीलिए हम इसे जंगो लिंगो लाठी गोंगो कहते हैं। ये हमारे हाथ में हरा बांस है और एकदम फ्रेश बांस है, इसका कोई इस्तेमाल हुआ नहीं है और जब इस्तेमाल नहीं हुआ है तो इसीलिए हम अपने पूर्वजों को इसमें आह्वान करेंगे, इसमें स्थापित करेंगे। और आप देख सकते हैं एक एक लाठी जो है बड़ी है और एक लाठी छोटी है। जो बड़ी लाठी है इस पे हम जंगोदाई का पहुआ बांधेंगे और प्रतीक बनाएंगे और जो छोटी वाली लाठी है इस वाली लाठी पे हम लिंगो बाबा का पहुआ बनाएंगे और उनका प्रतीक स्थापित करेंगे। इसके साथ आप देख सकते हैं हमारे पास तो और पतले पतले डंडे चाहिए जो झंडे के लिए या ध्वजा के लिए या पताका के लिए होने चाहिए, जो इन दोनों के साथ साथ चलते हैं। और इन दोनों के साथ साथ देखिए इन दोनों पताकाओं की साइज जो है ऑलमोस्ट बराबर हुई। जो पताका है लाल रंग का, जो झंडा है ये जंगोदाई का झंडा है क्योंकि ये नत्तुर के कलर का है और ये जंगोदाई जो की मात्र शक्ति जो है वो जन्मदायिनी है, वो निर्माण का कार्य करती है और निर्माण जो है लाल रंग जो है निर्माण का प्रतीक है, कुछ पैदा करने का प्रतीक है। तो इसीलिए हम मात्र शक्ति के लिए लाल नत्तुर के कलर का झंडा तैयार करते हैं। ये कपड़ा आपको चाहिए लाल या सिंदूरी कलर या नत्तुर कलर का और एक झंडा चाहिए। ये झंडा सफेद है, सफेद रंग जो है शांति प्रतीक और विशालता का प्रतीक है, जो मुठुआ पोए ज्ञान का प्रतीक है और इसीलिए हमारे मुठुआ पोए के प्रतीक के रूप में उनके सम्मान के लिए जो झंडा प्रयोग किया जाता है इसमें बांध के, वो झंडा जो है वो हमारे लिंगों का प्रतीक होता है। तो आपने देखा इस तरह से दो झंडे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्रकृति का सबसे खूबसूरत पंख माना जाता है। इसीलिए हम अपने सबसे महान व्यक्तित्व को, सबसे महान जो हमारे इस समाज के मिजान को बनाने वाले, समाज की व्यवस्था को देने वाले, उनके लिए सबसे प्रकृति के खूबसूरत पंखों का इस्तेमाल करते हैं प्रतीक के लिए। अब आपको प्रश्न उठता होगा कि इतना ज़्यादा पंख लाए हैं तो कितने मोरों को मारे होंगे, तो ये मोरों को मारा नहीं गया है बल्कि जून के आसपास मोर में जो है प्रजनन क्रिया होती है और वह मोर और मोरनी के मिलन के बाद वो पंख अपने आप झड़ने लगते हैं। जुलाई तक वो उसके सभी पंख गिर जाते हैं और जो पंख गिर जाते हैं अपने आप, उन्हीं पंखों को हम इकट्ठा करते हैं, हमारे लोग जंगल में जा करके इकट्ठा करते हैं और वो प्राकृतिक रूप से गिरे हुए, अपने आप गिरे हुए पंखों को, या किसी मोर की हत्या नहीं की जाती, किसी मोर को मारा नहीं जाता है, तो कोई भी पशु क्रूरता नहीं होती है और यह पंख जो है हमारा प्राकृतिक रूप से हम जंगल से इकट्ठा करते हैं और यहाँ पर जंगो और लिंगो का ढाल बनाने के लिए या उनका कोपार ढाल या उसे पहुआ बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिनको हम इसी लाठी पे, अभी हम आपको दूसरे स्तर में बताएंगे कि लाठी के साथ इन पंखों को कैसे लगाते हैं, इनका पहुआ कैसे बनाते हैं, इनका ढाल जो कोपार ढाल बोलते हैं, जंगो का कोपार ढाल बनता है। इसमें पंखों का जो दिशा होती है उल्टी होती है, ये नीचे की तरह होती है और जो लिंगो का पहुआ होता है वो उस पर दिशा जो है पंखों की ऊपर की तरफ होती है। तो ये अभी हम आपको थोड़ी देर में जब हमारे गोंगो संपन्न होगा उस समय बताएंगे कि हमारे पास कुछ और सामान है जो गोंगो के लिए, चूंकि लाठी हो गई, जंगो लिंगो का प्रतीक हो गया,
साथ में गोंगो का सामान आप देख सकते हैं हमारे पास धनिया थाली के साथ में हमारे पास चावल है और उड़द है, उपुल दाल और नूका, इन दोनों को तेल में मिला करके रखा गया है जो लोगों को स्वागत के लिए या उनको अभिनंदन करने के लिए सेवा व्यवहार करते समय जब हम उसका प्रयोग करते हैं तिलक लगाने के लिए। हमारे साथ में भूमिका बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं आज की भूमिका अजीत टेकाम जी हैं और इनका रंग देखिए लाल है और ये आज हमारे भूमिका होंगे और अजीत टेकाम जी आपको कुछ बताएंगे कि ये कौन कौन से सामान हैं। तो आप देखिए हमारे भूमिका आपको बताएंगे इसमें कौन थाल में गोंगो की थाल में कौन कौन से सामान होते हैं। अजीत जी आप थोड़ा इसके विस्तार बताइए कि कौन कौन से सामान आप आज गोंगो करेंगे। आज का जो हमारे गोंगो सामान ग्रान है उसमें हम सबसे पहले नुक्का लेते हैं चावल और दूसरे में नुक्का और फुफुल दाढ़ी दो हैं और तीसरा ये है ये गर्रा जिसे हम मड़िया भी बोलते हैं और ये राल है जो सरई पेड़ का होता है, सरई पेड़ का गोंद राल मतलब, और इसमें हल्दी है कमका। नुका में हम कमका और नुका नी तीन चीज मिला है तो उसका कलर इस टाइप का हो जाता है और इसमें ये फुफुल दाढ़ी है मतलब दाल है, इसमें हम दाल और चावल या फुफुल दाढ़ी और नुका दोनों रखे हैं आप देख सकते हैं ये और ये दिया है और ये इसमें ये नी है नी यानी तेल, इसमें दिए में तेल डालेंगे और साथ में हमारे पास ये सड़ापी कंडा के बोलते हैं इसको, गाय के गोबर का कंडा है सूखा हुआ जिसका हम आग बनाते हैं इससे। साथ में हमारे पास एक चुरू है, चुरू में आप देख सकते हैं चुरू है और उसके अंदर जो है पानी है और पानी में हमारा जो इरुक पुंगार है जो हमारे प्रकृति का खूबसूरत फूल माना जाता है। तो आप सोच सकते हैं इस प्रकृति में जो सबसे खूबसूरत सबसे बेहतरीन चीज़ें होती हैं वही हम अपने गोंगों में इस्तेमाल करते हैं, प्राकृतिक चीज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये कोयतूर कल्चर की विशेषता है कि आप देख सकते हैं इसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए महुआ जो ये प्रकृति का सबसे सुंदर फूल माना जाता है, इसको जैसे भिगो देते हैं वह पुनः उसी रूप में आ जाता है। तो इसका हम प्रयोग करते हैं फूल के रूप में। साथ में हमारे पास बाती है जो कापूस की बाती होती है, देख सकते हैं इस कापूस की बाती और हमारे पास जो तेल है ये जो तेल होता है सरसों का तेल या महुए के जरली गुल्ली का तेल हम यूज़ करते हैं प्रयोग करते हैं तो इसमें हम रखते हैं और इसमें फिर बाती रख के हम दिया बनाते हैं। तो ये हमारी कुछ चीज़ें हो गई और एक विशेष बात आपको हम दिखाना चाहेंगे जो हमारे पास इसके बारे में हम अपने भूमिका से पूछना चाहेंगे। चीला जो है ये हम लोग जैसे मेड़ों में कर रहे हैं तो मेड़ों में मलिदा चढ़ाते हैं वैसे, लेकिन अभी अब हम समय अभाव के वजह से चीला का उपयोग कर रहे हैं। चीला भी घर से बना के लाए हैं, वैसे यहीं मनाना चाहिए। तो ये हमारा एक गोंगो के बाद एक जो हम सम्मान स्वरूप उनको जो भोजन कराएंगे वो उसके लिए। इसको थोड़ा भूमिका जी खोलिए, इनको थोड़ा सा हमारे हाथ में रखिए तो जिससे लोग आप ये देख सकते हैं। ये देखिए ये जो है ये सराई के पेड़ की राल है या गोंद है जो कि शुद्ध प्राकृतिक है, इसमें कुछ भी बनावटी नहीं है। तो ये हमारी प्राकृतिक चीज़ है। ऐसे ही ये दाल देख रहे हैं, ये उड़द की दाल है और उड़द की दाल को पुपुल दाढ़ी बोलते हैं। यह भी प्रकृति की खूबसूरत दाल और बहुत ही बेहतरीन दाल मानी जाती है। ऐसे ही जो यहाँ पर चावल है और इसमें तीन चीज़ें आपको बता चुके हमारे भूमिका जी की, नूका है मतलब चावल और कमका हल्दी और नी तेल, ये तीन चीज़ों से मिलके हम प्रयोग करते हैं थाना बनाने के लिए। साथ में ये मड़िया आप जानते हैं गुर्रा मड़िया, ये हमारे मुठवा का दाना बोलते हैं, मुठवा दाना भी बोलते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अन्न माना जाता है और आजकल फाइन मिलेट के नाम से जाना जाता है और इसका शरीर के पोषण में बहुत ही उपयोग है और इसका हम अपने ज्ञान अर्जन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हम इस मड़िया दाना का प्रयोग करते हैं। तो आज हम अपने भूमिका के अभी जो हमारा गोंगो शुरू होगा तो हम आपको गोंगो की प्रक्रियाएं बताएंगे। तो आपको ये सामग्री आपने देख लिया कि एक जंगो लिंगो लाठी गोंगो संपन्न करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। तो जंगो के लिए प्रतीक और लिंगों के लिए प्रतीक, लाठी आपको बाँस हरे बाँस की एकदम फ्रेश नया बाँस चाहिए और
उसके लिए गोंगो के लिए जो सामग्री है, तो जंगो लिंगो लाठी गोंगो, ये चार शब्दों की अभी हम आपने आपके सामने मैंने इसको विस्तार से बताया है। और जब हमारा गोंगो शुरू होगा हम आपको गोंगो दिखाएंगे और फिर इस गोंगो के साथ कैसे हमारे पूरा समाज का इसको पहुआ को लेकर के अपने गांव के अपने घरों के पास घुमाते हैं, जिससे लोगों को हमारे पेन हैं ये अपने बनाई हुई व्यवस्था को खुद अपनी आँखों से हम चाहते हैं कि देखें। तो इसलिए पूरा समाज उनको घर घर होकर के गाँव पूरे नार में उनको उनका निकालता है, पूरे गाँव से उनको गुजारता है। तो आप देखिए साथ में, हाँ यहाँ पर आग सुलगाई जा रही है। ये आग जो है ये हम कंडा बना रहे हैं और इस आग में जो आप देख सकते हैं ये आग के लिए जो ये कंडे की जो कंडा है इससे तैयार किया। ये कंडे की जब आग बन जाएगी और इस कंडे की आग को ही फिर हम रख के गोंगो करेंगे। आपसे विदा लेते हैं और अगली प्रक्रिया के लिए आपसे फिर जब गोंगो शुरू होगा तो फिर आपसे मिलते हैं। सेवा जोहार।